हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस पॉडकास्ट में आज मैं DMDF के एनर्जीज़ के बारे में अपडेट करूँगी। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। इनमें से कोई एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप उसे लेट गो कर दीजिए। सो गाइस, DM के एनर्जी के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो DMDF की एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है इस वक्त। अगर आपने काफ़ी अच्छे से आपका इनर वर्क किया है तो आप काफ़ी बैलेंस इस ड्यूरेशन में रह पाओगे। अदरवाइज़ टेस्ट एंड ट्रिगर्स जो है आपको थोड़े बहुत होते रहेंगे और आपको जो है हैवी फील होना या फिर निगेटिव फील होना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो लोग वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस है, अभी तक बहुत अच्छे से अपना इशू हीलिंग, अपना इनर वर्क कर चुके हैं, उन्हें काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा इस ड्यूरेशन जो है फील होगा। बाकी गाइस, आपको थोड़ी बहुत आपके DM की मिसिंग एनर्जी जो है रिसीव हो सकती है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी जो है आप रिसीव कर सकते हो। यूनियन के काफ़ी सारे साइंस यूनिवर्स में आपको इस वक्त दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली आपके DM जो है आपको मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी सारे DM हैं जिनकी अवेकनिंग जो है इस ड्यूरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत इस जर्नी को लेकर जो है क्लैरिटी आ रही है। उन्हें ये जर्नी क्या है वगैरह, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आ रही है। कुछ लोग जिन्हें पता था इस जर्नी के बारे में, वो इस पर डाउट करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, तो धीरे धीरे जाकर उन्हें ये कनेक्शन जो है फील होगा। उन्हें कुछ लगेगा कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट कनेक्शन है हमारा इस पर्सन के साथ, उनकी DF के साथ। तो इस तरह से थोड़े बहुत रियलाइजेशंस जो है DM को ज़रूर होंगे। उन्हें भी टेस्ट और ट्रिगर्स जो है देने पड़ेंगे। DF की बात करूँ तो इस ड्यूरेशन ऐसा कुछ मेजर होगा जो आपको रिवील होगा, यानी कि हो सकता है किसी इम्पॉर्टेंट एरिया में आपके लाइफ के आपको कोई मेजर जो है चीज़ पता चल सकती है। आपके DM के बारे में आपको कोई मेजर चीज़ जो है इस ड्यूरेशन पता चल सकती है। कोई आपको डाउनलोडिंग हो सकती है या फिर आपका कोई मेजर इशू जो है हील हो सकता है, रिलीज़ हो सकता है। यूनिवर्स से आप हीलिंग एनर्जी जो है रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है गाइस इस वक्त यूनिवर्स में होगी, और इसकी वजह से कुछ DF से जो है अनबैलेंस भी हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकती है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर था या फिर उनके लिए एक टेस्ट था, तो इस तरह की फीलिंग आ सकती है। मेक श्योर कीजिए आप कि जो कोई भी आपको इस वक्त ट्रिगर्स हो रहे हैं उन्हें आप अच्छे से नोट डाउन करें, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को जो है ऑब्जर्व करें और उन्हें जो है हील करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है आप आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रह पाओगे, हैप्पी रह पाओगे और आगे बढ़ोगे। हर एक सिचुएशन में DF को बैलेंस रहना जो है बहुत ज़रूरी होता है इस जर्नी में। फिर चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए या फिर यूनिवर्स उनका कोई भी टेस्ट क्यों ना ले, ट्रिगर क्यों ना ले, आपको हर सिचुएशन में बैलेंस रहना, हैप्पी रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। भले ही आप यूनियन में हो या आपके DM के साथ यूनियन में नहीं हो, फिर भी ये चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप आपके इश्यूज़ को हील करेंगे, आपको फिर से अच्छा, पॉजिटिव और हैप्पी, पीसफुल जो है फील होगा। सो गाइस, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी डेफिनेटली जो लोग अनहील्ड है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रोना आ सकता है, सफरिंग वगैरह हो सकती है। आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स क्या रिवील करेगी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको आपकी जर्नी के बारे में, आपके DM के बारे में जो है पता चलेगी, या फिर कौन सा इशू जो है आपका इस ड्यूरेशन हील हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सो गाइस, इस तरह की एनर्जीज़ है, ये 7-7 पोर्टल के बाद की एनर्जीज़ है। मुझे ये एनर्जीज़ एक दो दिन से जो है रिसीव हो रही थी। सो गाइस, ये चीज़ें इस वक्त हो रही है। बाकी आपको आपके फैमिली से भी ट्रिगर मिल सकते हैं, जहाँ पर आप रहते हो आपके घर में या फिर कहीं बाहर, तो वहाँ पर भी आपको जो है इस ड्यूरेशन ट्रिगर्स जो है मिल सकते हैं। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। बाय बाय।